आज की ये वीडियो फ्रेंड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है उन सभी लड़कों के लिए जिन लड़कों को ये बात जानने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी होती है कि सर हम ये बात कैसे पता कर सकते हैं कि जो वो हमारी सामने रहती है या फिर जो हमारी क्रश है या फिर जिसे हम पसंद करते हैं वो हमें पसंद करती है, वो हमें इंटरेस्टेड है और सबसे बढ़कर वो हमें लाइन दे रही है। क्योंकि देखो फ्रेंड, जब लड़की किसी लड़के को पसंद करती है ना तो सबसे पहला काम वो लाइन देना ही चालू करती है कि समझ तो लूं पहले कि लड़का इंटरेस्टेड है या नहीं, पहले जान तो लूं कि इस लड़का को भी मेरे में इंटरेस्ट है या नहीं, जितना मैं इसे पसंद करती हूं क्या वो भी लड़का मुझे उतना ही ज्यादा पसंद करता है, और अगर करता है तो ऑब्वियसली बात है यार, मैं अगर लाइन दूंगी तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा ये। और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि अगर नहीं समझोगे ना तो सोना बाबू नहीं होगा आपके साथ, ठीक है ना, वो लड़की चली जाएगी किसी और के पास। तो भाई इस वीडियो में अपना प्यार एंड तक बनाए रखिएगा क्योंकि अगर कोई लड़की आपको लाइन दे रही है तो ऐसी हरकतें जरूर करेगी। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पकड़ देना एक लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस जरूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आती है फ्रेंड उस लड़की का गुस्सा। अब आप कहोगे कि सर ये कौन सी बात है, बात तो लाइन होने की मारने की चल रही थी, आप तो गुस्से पे बात को ले आए, अच्छी बात नहीं है ये। भाई सुन तो लो, अगर आप दोनों की बातचीत होती है, आप दोनों को बीच में कुछ भी है, किसी भी तरह का देखा जाए तो फ्रेंडशिप है या किसी भी तरह की बातचीत होती है, तो उस समय आप ये चीज नोटिस करिए क्या लड़की आपको अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। क्योंकि फ्रेंड जहां पर प्यार होती है ना वहां पर टकरार जरूर होती है। जैसे हम इंसान से प्यार करते हैं ना, उसी इंसान से हम गुस्सा भी होते हैं, उसी इंसान को हम ये भी बताते हैं कि तुम्हारी ये बातें हमें बहुत ही ज्यादा हर्ट कर गई है। और कई बार आप ये चीज नोटिस भी करोगे, आप चैटिंग कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, कॉल पर हो, मिलकर कुछ भी पूछ रहे हो, तो उस समय वो आपको अपना गुस्सा जाहिर करना चाहिए। तुम इतना लेट कैसे हो गए, तुमने इतना लेट मैसेज क्यों किया, जाओ मुझे तुमसे बात नहीं करना, ठीक है ना, तुम जाओ, तुम बिजी रहते हो ना, चलो कोई बात नहीं, मतलब कि मुंह फुलाकर बैठ जाना। कई बार अपना गुस्सा आपके ऊपर उतारना कि मेरा मूड बहुत खराब है, मैं तुम्हें मुद्दा बनाऊंगी, ऐसा कुछ जिस चीज से ना आपको बहुत ही ज्यादा अजीब लगेगा कि ये अपना गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही है, ये मेरे पे गुस्सा क्यों दिखा रही है, क्या ये मेरे अपने घर की सदस्य है, क्या क्या मेरी गर्लफ्रेंड है क्या। और यही चीज आप नोटिस करोगे कि गर्लफ्रेंड की तरह भी बंदी ट्रीट कर रही है। कई बार मैं ये नोटिस करता हूँ कि ध्यान रखती है मेरा कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, अभी तक फ्री नहीं हुए क्या, बाहर क्यों घूम रहे हो, घर जाओ, ये चीज अच्छी चीज नहीं होती है। हर चीज के लिए सजेस्ट करना ये भी एक तरह का लाइन ही होता है भाई। बस समझना चाहिए आपको कि वो सामने वाला इंसान किस तरीके से आपको समझा रहा है। अब वो चाहे फीमेल आपको कितनी भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करे मगर आपको ये चीज दिखाई नहीं देगी क्योंकि आपको तो ये चीज कॉमन लगेगा ना, बिकॉज हम दोनों तो अच्छे दोस्त हैं, ऐसा कुछ। और गुस्सा दिखाने का एक ये भी रीजन होता है फ्रेंड कि जब हम किसी इंसान से प्यार कर लेते हैं ना तो जाहिर सी बात है हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको प्यार भी दिखाना है और उसे गुस्सा भी दिखाना है, नखरे भी उठाएगा बंदा ये हमारा और हमें मनाएगा भी ये बंदा। तो फ्रेंड क्यों करते हैं, इसे जताने के लिए ना कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खास हूँ। और ये भी चीज होता है कि मतलब मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, अब मुझे यकीन है कि तुम मेरा कभी ट्रस्ट नहीं तोड़ोगे, एक अपनापन जिससे कि वो इंसान अट्रैक्ट रहता है उससे, यार मेरी वाली जल्दी गुस्सा हो जाती है, यार मेरी वाली को बुरा लग जाता है, मेरे को ये चीज नहीं करना चाहिए, इस तरीके से आप उसे इंपॉर्टेंस देते हो और यही चीज लड़की को पसंद होती है। इसलिए जहां पर प्यार होता है वहां पर गुस्सा भी होता है, तो आगे से ध्यान रखना मेरी जान। अगर कोई लड़की आपको बार बार अपना गुस्सा दिखाए या फिर बार बार आपको ऐसी हरकतें बताए तो समझ जाइए कि वो आप में धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लग गई है या फिर कहा जाए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग गई है। अब आगे सिचुएशन कैसे संभालना है, इतने तो स्मार्ट आप हुए, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, आपको पता है फ्रेंड जब एक लड़की किसी लड़के में इंटरेस्ट लेने लग जाती है ना तो उसकी सारी बातों को वो अपनाने लग जाती है और उसका अपनी तरफ अट्रैक्शन खींचने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है फ्रेंड। और इसी सिचुएशन में ना आजकल का ट्रेंड भी चल रहा है कि लड़की देखो भाई प्यार करती है, लाइन दे रही है मगर बताती नहीं है, मगर ऐसे कुछ हरकतें जरूर करती है जैसे कि आपको छेड़ना, आपको टीज करना, आपको पिन करना, आपको मतलब कुछ ऐसा कर देना जिससे कि आप ब्लश करने लग जाओ, आप शर्माने लग जाओ कि बस करना यार कितना बोलेगी, बस करना यार कितना कहेगी, यार वो तो गया यार, मतलब ऐसा कुछ बात बात पर आपको टीज करना, पिन करना और कई बार तो बात करते करते आपको टच भी कर लेना। कई बार आपको ये बताना कि मैं तुम्हारे सामने कंफर्टेबल हूँ यार, ठीक है ना, हाँ हालांकि मैं इतना ओपनली नहीं बात करती तुम्हारे सामने, मगर इस चीज को समझना चाहिए आपको फ्रेंड। लड़की जल्दी किसी के सामने कंफर्टेबल नहीं होती है, ठीक है ना, और दूसरी बात ओपनली तो कभी बात नहीं करती है, तीसरी बात जल्दी किसी के साथ वो अपना चीप नहीं होती है, और चौथी बात जल्दी किसी को टच भी नहीं करती है, मगर आप इतने खास क्यों, कभी ये सोचते हो? ऑब्वियसली भाई आप में वो इंटरेस्टेड है मगर आपको ये चीज तो कभी समझ में नहीं आएगी। और इसके अलावा फ्रेंड एक सेकंड में आपको और समझाता हूँ, तीसरा पॉइंट है ध्यान से समझना।
अगर उस लड़की को आपसे प्यार हो चुका है, अगर वो लड़की आपको लाइन दे रही है, तो कई बार आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि जैसे आप उसे गुड मॉर्निंग मैसेज करते थे ना, अब वो चालू कर देगी, आपको कॉपी करने लग जाएगी वो। जैसे आप उसके लिए छत पर आते थे ना, अब वो आपके लिए छत पर आने लग जाएगी, अब वो आपसे पहले वेट किया करेगी। जैसे आप उस गली से गुजरते थे ना, अब वो आपसे पहले उस गली से गुजरा करेगी ताकि आप उसे दिख सको। ये चीज़ आप कई बार नोटिस करते हो मगर कभी ध्यान नहीं देते हो कि जो चीज़ मैं कर रहा था इसके लिए, जैसा मैं बन रहा था इसके लिए, अब ये वैसी क्यों बन रही है मेरे लिए। जैसे मुझे ब्लैक कलर पसंद है तो ये भी ब्लैक कलर में आती है, मुझे ज़्यादा हंसकर बात करना पसंद है, देख रही हूँ ये भी बहुत हंसकर बात करने लग गई है, मुझे बहुत ही ज़्यादा सिंगिंग का शौक है, देख रहा हूँ इसका भी धीरे धीरे इंटरेस्ट सिंगिंग में बढ़ते जा रहा है। ऐसा कुछ आपको कॉपी करने लग जाना, आपका अपनी तरफ अट्रैक्शन खींचना, कहा या तो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, वो ऐसा क्यों कर रही है, सोच सकते हो एक मिनट के लिए भी। ऑब्वियसली भाई यार, आपको पसंद करती है वो और वो आपको लाइन दे रही है, मगर आपको कभी ये चीज़ समझ में नहीं आती है। और जहाँ तक बात है ना इस चीज़ की कि सर अगर वो लड़की मुझे लाइन दे रही है तो उसके अंदर कुछ तो खास बात दिखेगी ना, अरे भाई बहुत खास बात दिखेगी, पहले से ज़्यादा उसका बिहेवियर आपको लेकर के चेंज हो जाएगा, पहले से ज़्यादा वो आपकी केयर करने लग जाएगी, पहले से ज़्यादा आपसे वो बात करना, पहले से ज़्यादा आपको समझाना। और एक चीज़ सबसे बढ़कर आपको ना फ्रेंड, ये चीज़ कभी आपने नोटिस नहीं की होगी मगर अब नोटिस करना कि पहले ज़्यादा वो चेंज होने लग गई है। पहले वो जो देखती थी, बोलती थी, उसमें कुछ अदाक या प्रकार जो कुछ अदाएँ नहीं थी मगर उसमें कुछ अदाएँ नहीं थी मगर अब तो भाई नज़ाकत ही इसकी देखकर मैं पगला जाता हूँ। किस तरीके से देखती है, कैसे बात करती है यार, इसकी आवाज़ को अब क्या हो गया है, अब इतनी स्वीट टोन क्यों निकलता है इसका, ऐसा कुछ सडनली इसके अंदर ये चीज़ चेंज होने लग जाएगी। अगर आप ये सब चीज़ें देख रहे हो तो समझो भाई कि वो आपको लाइन देना चालू कर दी है। और इसके अलावा फ्रेंड, उसके अंदर एक बिहेवियर और आएगा कि जिससे हम कहते हैं जेलस फील करना। देखो लड़की ना जेलस फील करती है बात तो सबको पता होती है, मगर असल मौके में वो जेलस फील करती कब है, जब उनका कोई चीज़ उनसे बेटर निकल जाता है। जैसे कि उनके पास एक अच्छा सा इयररिंग है और उस इयररिंग से बढ़िया किसी और के पास इयररिंग मिल गया तो जेलस फील करने लग जाना। तो ऐसा जेलस नहीं कह रहा मैं, जेलस का मतलब है कोई चीज़ वो देना। जैसे कि आप उससे बात कर रहे थे और आपने उसका फ़ोन काट कर कहीं और बिजी हो गए तो उसको जेलस फील होने लग गया कि तुम कहाँ बात कर रहे थे, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है क्या, बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हो क्या। और जब उसने कॉल किया तो अरे इतनी देर तक तुम कहाँ लगे पड़े थे, मैं नोटिस कर रही हूँ आजकल तुम अच्छे से टाइम नहीं दे रहे हो। अगर आप उसके सामने किसी और लड़की से बात करते हो तो उसका मुंह फूल जाता है। अगर आपने ऑनलाइन होने के बावजूद उसके मैसेज को सीन करके कहीं और लगे पड़े हो तो उसका मुंह फूल जाता है। ज़्यादातर उसके तरफ से ही ज़्यादा बातें निकलती है। अगर आपने उसे हाय हेलो या कुछ भी ऐसा कहा तो वो अपनी तरफ से ज़्यादा बातें करती है कि हाँ जी बोलो, क्या हुआ, आज टाइम मिल गया, ये वे लंबा चौड़ा भाषण आपको ही सुनाना। तो ये सब क्या है भाई, लाइन देने का ही तरीका होता है। ये जो आजकल के फ्रेंड है ना, ये फ्रेंड को ही समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया था कि सर हम दोनों तो दोस्त हैं, दोस्ती से अगर रिश्ता बढ़ ही नहीं रहा है क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ समझो, समझ जाओगे कि क्या चल रहा है, ठीक है ना भाई। तो ऐसा कुछ था। अगर आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई हो तो वीडियो पर लाइक जरूर करना, हो सके तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना भाई। और हाँ, देख रहे हो यार लाइक नहीं करते हो तुम लोग, यार लाइक कर दिया करो यार, कितने बार बोलना पड़ता है, लाइक कर दिया करो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना और हो सके तो वीडियो को शेयर करना उन सभी के साथ जिनकी इस वीडियो की जरूरत हो। धन्यवाद।